अगली शरी के मुकाबला है मरियम साजद। मरियम साजद का ताल्लुक डीपीएस स्कूल से है। अल्फाज़ो मायने में तफावत नहीं, लेकिन अल्फाज़ो मायने में तफावत नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ां और मुजाहिद की अज़ां और परवाज है दोनों की इस एक फ़ज़ा में, परवाज है दोनों की इस एक फ़ज़ा में, करगस का जहां और शाही का जहां और। सत्यग्रामी और मौजूद सामाई अस्सलामुअलैकुम, मेरी आज की तकरीर का उनवान असर हाजिर की अकासी का तर्जुमान है। इसमें शायर मशरक ने आलमगीर हकीकत से पर्दा चाक करते हुए करगज़ और शाहीन की परवाज़ का मुआजना किया है। जनाब सर, बेशक दोनों परवाज एक ही आसमान में करते हैं, लेकिन करगस की नज़र मुर्दार पर जबकि शाहीन की बुलंद परवाज पर, करगस मुर्दा दिल जबकि शाहीन की कायनात की रंगीनियों पर तेज निगाह, करगस नफ्स का मारा जबकि शाहीन खुददारी और गैरत का नाम। सदरेजी वकार इकबाल ने हमेशा अपने जवानों को शाहीन कहकर पुकारा, मगर सद अफसोस कि आज के नौजवान करगस की खसूसियात को अपनाए हुए हैं। जो बिजली के खंभों पर बिजली चोरी करने के लिए कुंडे डालते हैं, जो मिजारे कायद पर नन्ही सुंबल की इज्जत को तार तार करते हैं, जो जारा की इज्जत को पामाल करते हैं, और जो बिनते हवा खुद अपने आप को टिकटॉकर के तौर पर पेश करती है। बुलंद बाल था लेकिन ना था जसूर वयूर, बुलंद बाल था लेकिन ना था जसूर वयूर, हकीम सिर मोहब्बत से बेनसीब रहा, फिरा फिजाओं में करगस अगर चाशाहीवार, फिरा फिजाओं में करगस अगर चाशाहीवार, शिकार जिंदा की लज्जत से बेनसीब रहा। जनाब सदर, हम बेहिसी और बेकदरी के दलदल में ऐसे धंस चुके हैं कि मैंने छोटी सी उम्र में क्या क्या नहीं देखा। जनाब सदर, मैंने माओ को बिलकते बच्चों के लिए इज्जत नीलाम करते देखा, दौलत के नशे में हुक्मरानों को देखा, इंसाफ की धज्जियाँ उड़ाते मुंसिफों को देखा, बटग्राम में लड़के तलबा को जिंदगी और मौत की कश्मकश में देखा, कभी शुरफा के खानों को हेलीकॉप्टर से जाते देखा, मैंने डिग्रियों को जलते देखा, इल्म को फुटपाथ पर देखा, गर्ज के मैंने ख्वाब बिकते देखे, जिंदगी सिसकती देखी, उसूल बेचकर मसनद खरीदने वालों, उसूल बेचकर मसनद खरीदने वालों, निगाह अहले वफा में बहुत हकीर हो तुम, निगाह अहले वफा में बहुत हकीर हो तुम, वतन का पास तुम्हें था न हो सकेगा कभी, वतन का पास तुम्हें था न हो सकेगा कभी, वतन का पास तुम्हें था न हो सकेगा कभी, कि अपने हिर्स के बंदे हो बेज़मीर हो तुम। जनाब सदर, जहाँ मकतूल और कातिल में कोई फ़र्क ना हो, जहाँ अवाम टैक्सों के बोझ तले दबी हो और अफसरान अयाशी करें, जहाँ चांद देखने या ना देखने पर एतराज़ात हो, जहाँ सजाती एजाजात साइंसदानों के बजाय फिल्मी सितारों को दे दिए जाए, और जहाँ का हर नौजवान अपने वतन को करबला और अग्यार वतन को जन्नत से तशबीह देता हो, तो जनाब सदर हमें सोचना होगा, हमें सोचना होगा कि हम बहैसियत कौम कहाँ खड़े हैं। जनाब सदर, हमें शाहीन का किरदार अपनाना होगा, हमें खुददारी गैरत हिम्मत और लगन से अपनाना होगा, अपनाना होगा। जिस देश की कोर्ट कचहरी में इंसाफ टकों पे बिकता हो, जिस देश का मुंशी काजी भी मुजरिम से पूछ के लिखता हो, जिस केस के अहदेदारों से अहदे न संभाले जाते हो, उस देश के हर एक लीडर पर सवाल उठाना वाजिब है, उस देश के हर एक हाकिम को सूली पे चढ़ाना वाजिब है। शुक्रिया।